गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज मैं आपकी क्लास सेकंड की इंग्लिश पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर सेकंड है। ये देखिए, आपको बुक में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेसन नेम है लर्न बट फुलिश। इसका मीन्स हो जाएगा पढ़ा लिखा मूर्ख, लेकिन मूर्ख पढ़ा लिखा लेकिन मूर्ख। तो स्टोरी मैं स्टार्ट करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ। देयर वेयर फोर फ्रेंड्स इन अ विलेज। एक गांव में चार दोस्त रहते थे। थ्री ऑफ देम वर वेरी लर्न बट डिड नॉट हैव जनरल नॉलेज। जो तीन दोस्त थे, यानी कि जो तीन थे, उनमें से तीन जो थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास समान ज्ञान का नॉलेज नहीं था। मीन्स समान ज्ञान जो होता नहीं, कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का नॉलेज उनके पास नहीं था। फोर्थ वाज इलिटरेट बट वाइज, यानी कि जो चारों फ्रेंड थे, चारों में जो चौथा था, यानी कि फोर्थ वाज इलिटरेट बट वाइज, वो जो चौथा था वो अनपढ़ था लेकिन बुद्धिमान था। वन डे फोर फ्रेंड्स वेंट इनटू अ फॉरेस्ट। एक दिन वो चारों दोस्त जंगल में जा रहे थे। दे सॉ सम बोन्स, उन्होंने कुछ जो है हड्डियाँ देखी। वन सेड दीज आर अ लायन बोन्स, उनमें से एक ने कहा, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो चार लोग, तो एक फ्रेंड आपका बोल दे, ये देखिए ये लायंस बोन, मीन्स शेर की हड्डियाँ। तो नेक्स्ट लाइन में पढ़ता हूँ, आई कैन रीड पुट देम टुगेदर। जो एक ने बोला था, जो देखा कि ये देखिए लायन की हड्डियाँ, तो उसने कहा आई कैन पुट देम टुगेदर, मैं इनको एक साथ रखता हूँ, उन हड्डियों को एक साथ रखता हूँ। ही पुट द बोन टुगेदर, उसने हड्डियों को एक साथ रखा। मीन्स हड्डियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी, एक साथ नहीं थी। तो उसने जो है, जो एक ने बोला था, जिसने देखा था हड्डियाँ बिखरी हुई, तो उसने जो है एक साथ उन शेर की हड्डियों को एक साथ रखा। द सेकेंड मैन सेड, दूसरे व्यक्ति ने कहा, जैसे आप लोग चार लोग कहीं जा रहे हो, पहले ने कहा, उसने हड्डियाँ देखी तो हड्डियों को एक साथ रखा, उसने कहा मैं इन्हें एक साथ रख सकता हूँ। उसके बाद दूसरे ने कहा, सेकेंड मैन सेड आई कैन पुट फ्लैश एंड स्किन ऑन देम। आई कैन पुट फ्लैश एंड स्किन ऑन देम। मैं, अब चूँकि हड्डियाँ तो एक साथ रख चुके थे, अब उनको जो है मांस भी चाहिए था और जो है स्किन भी चाहिए था, तभी तो एक लायन जो है तैयार होगा, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, तीनों जो है बुद्धिमान थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि जो है हम इसको इसके इसमें जो है मांस रखेंगे, फिर स्किन रखेंगे, इसको जो है लायन बनाएंगे, फिर से जीवित करेंगे। आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। ही पुट फ्लैश एंड स्किन ऑन द बोन, उन्होंने फ्लैश और स्किन को रख दिया, मीन्स मांस और जो त्वचा होती है, स्किन मीन्स त्वचा, रख दिया किस पर? बोन पर। यानी कि उन्होंने प्रिपेयर किया, असेंबल किया। जैसे कोई वस्तु होती है, आप लोग जब कोई इंजीनियर्स मान लीजिए है, कोई सामान तैयार करता है, जैसे आपका टेलीविज़न, तो उसमें ढेर सारे पार्ट लगते हैं, वैसे ही बोन्स इधर उधर पड़े हुए थे। पहले वाले ने कहा कि जो है मैं इसे एक साथ रखता हूँ, मीन्स एक साथ पहले जोड़ा, बोन्स को जोड़ा, हड्डियाँ इधर उधर पड़ी हुई थी। फिर दूसरे वाले ने कहा कि जो है मैं इस पर जो है फ्लैश और स्किन जो है लगाऊंगा, फिर जो है उसने फ्लैश और स्किन को रखा। तो तीसरे ने क्या कहा, द थर्ड मैन सेड आई कैन पुट लाइफ इनटू द लायन। जो तीसरा व्यक्ति था उनमें से, उसने कहा
कि मैं जो है इसको जीवन दान दे सकता हूँ। आई कैन पुट लाइफ इन टू द लायन, मीन्स उसने कहा कि मैं जो है इसको जीवन दान दे सकता हूँ। द फोर्थ मैन सैड, चौथे व्यक्ति ने कहा, द फोर्थ मैन सैड, प्लीज डू नॉट डू सो, ऐसा मत करिए, कृपया ऐसा मत करिए, द लायन विल किल ऑल ऑफ अस, शेर हम सभी को मार देगा, शेर हम सभी को मार देगा। बट द थ्री मैन लाफ्ड एट देयर फ्रेंड, वो जो तीन दोस्त थे वो अपने चौथे फ्रेंड पर हंस रहे थे। दे डिड नॉट एग्री विद हिम, वे सभी उसके साथ सहमत नहीं थे, एग्रीड नहीं थे। दे वेंट टू प्रूव देयर स्किल, दे वेंट टू प्रूव देयर स्किल, वे उसके स्किल को प्रूव करना चाहते थे। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सो द फोर्थ मैन क्लाइंब्ड अप द ट्री, सो द फोर्थ मैन क्लाइंब्ड अप द ट्री, जो चौथा व्यक्ति था जो अनपढ़ था वो पेड़ पर चढ़ गया। अनपढ़ तो था लेकिन वो बुद्धिमान था, जैसा कि पहली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्थ वाज इलिटरेट बट वाइज, वो अनपढ़ था चौथा जो फ्रेंड था उनका, लेकिन बुद्धिमान था, तो चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। द थर्ड मैन पुट लाइफ इन टू द लायन, जो तीसरे व्यक्ति ने, जैसा कि यहाँ पे अभी देखिएगा पेज नंबर 8 पे, यहाँ पे तीसरे व्यक्ति ने कहा था कि मैं इसे जीवन दान दे सकता हूँ, उसने जीवन दान दे दिया। यहाँ पर लास्ट में देखिए, द थर्ड मैन पुट लाइफ इन टू द लायन, लायन को जीवन दान दे दिया। द हंग्री लायन किल्ड ऑल द थ्री मैन, भूखा शेर तीनों को खा गया या मार दिया। तो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है बच्चों कि किसी को भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। वो तीनों अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे थे, लेकिन जो चौथा था वो अनपढ़ था, इलिटरेट था। तो इन तीनों ने क्या समझा, तीनों दोस्तों ने समझा कि ये तो अनपढ़ है, उसकी खिल्लियाँ उड़ाई काफ़ी जो है, यहाँ पे देखिए हंसा भी उसके ऊपर, उसके साथ एग्री भी नहीं हुए जब वो रोक रहा था कि नहीं इसे जिंदा मत करिए, इसे जीवन दान मत दीजिए, उसने रोका था। तो इन लोगों ने बात नहीं मानी जो तीनों दोस्त थे। तो बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अनपढ़ हो या आपको लगता है कि नहीं वो बुद्धिमान नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है बुद्धिमान हो आपसे। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है। तो समझ में आ गई होगी स्टोरी बच्चों, उम्मीद है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट अपलोड होगा। ओके, थैंक्स।